दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात भारताचे 42 जवान शहीद झाले. या हल्ल्यात पाकिस्तानतील दहशतवादी संघटनेचा हात असल्याचं समोर आलंय. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देशभरातनं पाकिस्तानचा निषेध सुरू आहे. देशातील कानाकोपऱ्यातून हल्ल्याचा निषेध सुरू असताना पिंपरी चिंचवडच्या देहू रोड आर्मी भागातील चिमुरड्यांनी जवानांच्या कुटुंबियांसाठी आपले चिमुकले हात पुढे सरसावत आपल्याला खाऊसाठी दिलेल्या पॉकेटमनीचे पैसे गोळा करून या जवानांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यास पुढे सरसावलेत. या बालकांनी शहीदांना श्रद्धांजली वाहत कॅन्डल मार्च काढला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत निधी आपल्या खाऊच्या पैशातून जमा केले. देऊ रोड छावणी परिसरातील मुख्य बाजारपेठेतून शहीद जवान अमर रहे भारत माता की जय अशा घोषणा देत असताना अनेक भारतीयांच्या अंगावर शहारे येत होते. तर दुसरीकडे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी प्रत्येक जवानांच्या कुटुंबियांसाठी प्रत्येकी 5 लाखाची मदत करण्याचे सांगण्यात आले आहे. तर ह्या चिमुरड्यांचे देखील जवानांच्या कुटुंबियांसाठी फूल नाही तर फुलाची भाकळी देण्याचा प्रयत्न केलाय. मेरे देशवासियों से एक कहता हूं, आज जो भारत देश में हमारे देश में जो भी हो रहा है ये सब गलत हो रहा है. भारत देशवासियों को लोग मजबूर कर देते हैं हथियार उठाने पे, लेकिन हमारे पे बार बार अन्याय होता है. क्यों होता है? प्रशासन को इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी मांगती. सर, ऐसी चीज़ें दोबारा होना नहीं चाहिए और यहाँ पर दोबारा कोई भी देश हमारे पर बुरी नज़र ना डाले, ऐसा काम होना चाहिए. यहाँ पर सैनिक पे जो हमला हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, हम ये बात का निश्चित करते हैं और इसीलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाले. हमारे जो गली के सब जो बच्चे, जो श्री कृष्णा बालिका मित्र मंडल के जो बच्चे वो लड़कियों ने अपने मम्मी डैडी ने जो भी पैसे दिए वो जमा करके और हमने जमा करके अपने देश के सैनिक के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन निकाले. हमारे देश में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके कारण बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं. ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है. मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, पर अभी मैं बड़े होकर देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ. हमारे देश के कई शहीद जवान हुए हैं, उसके लिए हमें बहुत दुख होता है. हम श्री कृष्ण बालिका मंडल लोग ने कुछ हमारे देश के लिए डोनेट करना चाहते हैं. हमारे मम्मी डैडी के खाने, जो हमें खाने के पैसे दे देते हैं, वो हम हमारे देश के लिए देना चाहते हैं. पहले मैंने सोचा था करके मैं इंजीनियर बनूंगी, कस्टम ऑफिसर बनूंगी, पर मुझे अभी लगता है मुझे अपने देश के लिए कुछ बनना चाहिए और कुछ करना चाहिए.